गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6, वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स फ्रॉम वोकेबुलरी सेक्शन. वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन इज कॉल्ड अ. ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं जो कि एरोप्लेन उड़ाते हैं, उनको हम एक शब्द में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पायलट. ऐसे ही ए पर्सन हु परफॉर्म सर्जरी इज कॉल्ड अ सर्जन. ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो कि सर्जरी करते हैं, सर्जन. यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, उनको आपको वन वर्ड में रिप्लेस करना है. फर्स्ट, ए पर्सन हु राइट्स. ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो लिखते हैं, राइटर. अ पर्सन हु कैन नॉट बी सीन. ऐसा पर्सन जो हम जिसको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल, अदृश्य. अ डिजीज इज स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, कॉन्टेगियस. अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ट्रेवलर. अ पर्सन हु लव्स ईटिंग. ऐसे पर्सन जो कि खाने के बहुत शौकीन होते हैं, फूडी. समथिंग विच इज अगेंस्ट लॉ. ऐसा काम जो कानून के विरुद्ध होता है, इलीगल, गैर कानूनी. अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम. ऐसे पर्सन जो कि जुर्म करते हैं, क्रिमिनल. ए पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री. ऐसे पर्सन जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, उनको फॉरेनर कहते हैं. चिल्ड्रन बॉर्न इन द सेम फैमिली. ऐसे बच्चे जो एक ही फैमिली में जन्म लेते हैं, सिबलिंग्स. यानी एक ही फैमिली के लोगों को सिबलिंग्स यानी रिश्तेदार कहते हैं. अ पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर ऑन अ पब्लिक व्हीकल. पब्लिक व्हीकल में फेयर यानी टिकट्स कलेक्ट करने का काम कौन करता है, कंडक्टर. ये सभी वन वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.